इवनिंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग में आईटी असिस्टेंट और अकाउंटेंट को लेके 2000 लगभग पोस्टों पे रिक्रूटमेंट आई है, उसके अपडेट के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरिट लिस्ट डेट रिलीज्ड, तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसके कितने स्टेप्स में मेरिट लिस्ट बनेगा और किस किस डेट को आप लोगों का कौन कौन सा प्रोसेस होगा। जैसा कि पीआरडी पंचायती राज विभाग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड करके बताया, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डायरेक्ट उस पेज पे ले चलता हूँ जहाँ पे पंचायती राज विभाग ने A to Z आपका जो टाइम टेबल बना रखा है इस वैकेंसी को लेके, वहाँ पे काउंसलिंग से लेके आप लोगों के मेरिट लिस्ट रिलीज होने तक के सारे डेट्स को दिखा रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट सीरियल नंबर में यहाँ पर क्या कह रहा है, पोर्टल लाइव फॉर एक्सेप्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम, तो जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका 28/8 से लिया गया था और जो क्लोज किया गया था वो दिया गया है यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्शन के लिए आप लोग देख रहे हैं, ये चार नंबर ऑप्शन पे अगर देखें तो ऑब्जेक्शन के लिए 28/9 से विंडो खुला था, जो कि 5/10 तक आप लोगों का ऑब्जेक्शन या क्लेम करने के लिए डेट दिया गया था। उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्शन आप लोगों ने किया है, क्लेम किया, उसका डिस्पोजल जो है 12 तारीख को कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 12 तारीख को इसका डिस्पोजल किया जाएगा ऑब्जेक्शन क्लेम को, 15 अक्टूबर को जो लिंक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने अप्लाई किया है उसके लिए वो रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो 23/10 यानी अक्टूबर से ले कर 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाएंगे। उसके बाद जो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आपको कैटेगरी वाइज होगा वो 2/11 को पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद ही फ्रेंड्स आप लोगों को सीकिंग उसके उस मेरिट लिस्ट के अगेंस्ट आप लोगों को क्लेम करने का एक मौका दिया जाएगा 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। उसके बाद उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसे बनाया जाएगा ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट उन क्लेम और क्लेम को के बिहाफ पे उसको डिस्पोजल किया जाएगा 8/11/2018 से लेकर 12/2018 के बीच में। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों का पब्लिश किया जाएगा 19 नवंबर को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा पीआरडी विभाग के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो टाइमलाइन है वो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, वो टोटल इसका टाइमलाइन बिहार गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा है और इसी टाइमलाइन के बिहाफ पे आप लोगों का सारा प्रोसेस अभी तक होते आ रहा है और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आपका यही इसी टाइमलाइन के बिहाफ पे आपका सारा प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस टाइप के जितने भी अपडेट्स अगर पीआरडी विभाग से रिलेटेड आते हैं तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।